गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू वर्कशीट नंबर 3, ओके, एंड वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 हेयर, ओके, सो वी हैव टू सॉल्व दिस वन। तो बेटा, अकॉर्डिंग टू बॉडमास्ट, फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट एंड देन डिवीजन, ओके। नाउ 2/5 माइनस 1/4 प्लस 8.1 कैन बी रिटन एज 81/10, डेसिमल हटा देंगे हम इसका, इनटू इसका भी डेसिमल हटा देंगे 27/10। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हम डिवाइड का क्या करते हैं बेटा, अभी चलो इसको ऐसे रहने, डिवाइड 9/100 कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने दो डिजिट है तो उसका हमने 100 लगा दिया नीचे। अब देखो 2/5 माइनस 1/4 प्लस 81/10 इनटू 27/10। अब डिवाइड सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड को, डिवाइड का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 100/9, क्लियर। अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती, तो ये कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 3 27, क्लियर। नाउ 2/5 माइनस 1/4 प्लस अब ये कितना 81 3 जा 3 1 जा 3, 8 3 जा 2 243 आ जाएगा, और अपॉन 1। नाउ वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज 20, 20 इज द एलसीएम ऑफ 5 4 एंड 1। नाउ 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, माइनस 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, प्लस 120 जा 20, 20 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से कर लो, बाद में 0 लगा देंगे, सिर्फ 2 से कर लो इसको, है ना। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और एक 0, ये 0 लगा। अब इसको सॉल्व कर लेते बेटा हम, 4 8 6 8, ये दोनों को ऐड करेंगे, 4 8 6 8 हो जाएगा माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4 8 6 3, 4 8 6 3 अपॉन 20, क्लियर क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको अगर चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं, आप रहने दीजिए, ओके। अब बेटा अगर आप गौर से देखें, जो ब्रेन टीजर है, ब्रेन टीजर में जो 5th और 6th क्वेश्चन है वो भी इसी 6th क्वेश्चन जैसे, जो बाकी बच्चे पार्ट्स है ना 6th क्वेश्चन के, वो सारे पार्ट्स और ब्रेन टीजर का 5th और 6th क्वेश्चन वैसे वैसे ही है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेन टीजर से जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ, ठीक है, वो सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपने बाकी बच्चे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं ब्रेन टीजर के 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट कर रहा हूँ बेटा। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या डिवीजन है, तो हम क्या करते हैं 156, इसका पॉइंट हटा देते हैं, इसका क्या लग जाएगा 100, डिवाइडेड बाय, यहां भी डेसिमल क्यों, कितने डिजिट है 3 डिजिट, इसका हो जाएगा 25/1000, क्लियर, इंटू 0.02 का 2/100, माइनस 5.2 का पॉइंट आता है 52/10, ये हो जाएगा 52/10। अब हम क्या करते हैं, 15625/100 डिवाइड का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1000/25 इंटू 2/100 माइनस 52/10, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 से 20 कैंसिल, अब 25 से इसको डिवाइड कर लीजिए बेटा 15625 को, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कर दो, नहीं तो आप रफ में भी कर सकते हो, 25 6 150 2 25 2 50 2 615 1 25 5 125, तो 625 पे कट गया बेटा पूरा, 625, क्लियर। तो ये आ गया आपका 625 इंटू 10,
6250 इन दोनों को मल्टीप्लाई इनटू 2 अपॉन 100 माइनस 52 अपॉन 10। इसको नहीं सॉल्व करना कहीं गलती से बेटा, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं क्योंकि पहले हम क्या करते हैं बॉड मास क्या करते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई करो तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना, ये जीरो से जीरो कैंसिल और ये 625 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 6 2 जा 12 अपॉन 10 माइनस 52 अपॉन 10। क्लियर? अब इसमें 10 एलसीएम आ गया बेटा, तो 1250 माइनस 52 अपॉन 10। क्लियर? अब इनको आप माइनस कर लो तो बेटा 1250 में 52 माइनस कर हमारा आ गया 1198 अपॉन 10। तो अपना आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हैं लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया कि एक्सप्रेस योर आंसर इनटू डेसिमल, कि आपने अपने आंसर को डेसिमल में फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आप जो नीचे एक जीरो लगेगी इसका ऊपर क्या लगा दो डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 119.8 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, वी हैव टू सॉल्व दिस वन। तो बेटा इसमें एक ट्रिक मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, अगर आपने अपनी कैलकुलेशन इजी बनाना, देखो देखो यहां पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप इस डेसिमल को कैंसिल कर सकते हो अगर सेम डिजिट के बाद डेसिमल हो, जैसे यहां पर देखो 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आप इस डेसिमल को भी कैंसिल कर सकते हो। देखो क्यों होता है ये, या 0.4 अपॉन 0.1 है, ठीक है, तो आप इसका क्या करो 4 का 4 बाय 10 हो जाएगा और 0.1 का 1 बाय 10 हो जाएगा, तो 4 बाय 10 इंटू 10 बाय 1 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इनका क्योंकि दोनों में सेम डिजिट का डेसिमल तो दोनों का 10 10 लगेगा और 10 कैंसिल हो जाता है, तो आपने अगर अपनी कैलकुलेशन इजी बनानी है तो आप इस डेसिमल को यहां पर कैंसिल आउट करो, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल लेकिन होना चाहिए सेम डिजिट के बाद, और इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 4 इंटू 0.04 और ये क्या बच गया 5, ये 1 इंटू 10 इंटू 1, तो आपकी देखो कैलकुलेशन इजी बन जाएगी ये एज इट इज। अब इसको 0.04 का आप 100 नीचे लगा दीजिए, यहाँ 4 रह गया क्योंकि यहाँ डेसिमल का दो डिजिट है, तो इसका हम 100 नीचे लगा देते हैं, 1 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 100, इसका 100 नीचे लगा दिया, माइनस 1 बाय 2 प्लस 5। क्लियर? तो अब आप क्या कीजिए, अब हम इसमें कैंसिल आउट कर लेते हैं फैक्टर बेटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 की 0, 4 से 20 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, अभी भी कटिंग कर लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो अब नहीं कटेगा, 2 1 जा 2, 5 5 जा 25। क्लियर? माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 5, अब आप 25 2 और 5 का एलसीएम ले लो बेटा, तो यहाँ पर 2 से करेंगे पहले 25, 2 1 जा 2 5, अब 5 से कर लेंगे 5 5 जा 25, 1 5 1 जा 5, अब ये 5 1 जा 5 1 जा 5, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 50 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो गया 50, 25 2 जा 50, 2 2 जा 4, 2 25 जा 50, 25 1 जा 25 प्लस 5 10 जा 50, 10 1 जा 10, अब ये क्या हो जाएगा बेटा 10 और 4 14 माइनस 25 और 14 कितना होगा 11, तो कितना माइनस 14 माइनस 25 अपॉन 50 और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा ये लास्ट में यहाँ के बाद ऊपर जब जाएंगे आप ये हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 50, माइनस 11 अपॉन 50। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ सिक्स क्वेश्चन, अब इसको क्या 0.14144 है, हम क्या करते हैं 144 अपॉन 1000 कर देते हैं इसको, इसका डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल के बाद थ्री डिजिट है तो हमने 1000 लगा दिया, डिवाइडेड बाय 1.2, इसका क्या हो जाएगा 12 बाय 10,
क्योंकि डेसिमल के बाद वन डिजिट है, अपॉन इसको भी ऐसे कर लो, डेसिमल के बाद थ्री डिजिट है तो 16 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन इसका डेसिमल लगा दिया 100, बाकी को आप ऐसे डिजिट लिखते चले जाओगे। अब 144 अपॉन 1000 बेटा डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 12 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसे अपॉन में भी कर लो 16 अपॉन 1000 डिवाइड का कर दो मल्टीप्लाई, इसका क्या हो जाएगा 100 अपॉन 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस 7 बाय 5 माइनस 21 बाय 8 एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 से 144 कितने में कट जाएगा, 12 12 जा 144 होता है बेटा, 12 12 जा 144, यहां पर 20 से 20 कैंसिल, 21 जा 2 28 जा 16, तो ये हमारे पास आ गया 12 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 10, बाकी एज इट इज लिखते चले जाओ, प्लस 7 बाय 5 माइनस 21 बाय 8, क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 12 बाय 100 है, 12 बाय 100 अब आपको पता जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाती है, ये इसका मतलब डिवाइड ही होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड 8 बाय 10, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 8 प्लस 7 बाय 5 माइनस 21 बाय 8, इसको हम एज इट इज लिखते जाएंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल और 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो ये आ गया बेटा 3 1 जा 3 3 अपॉन 10 2 जा 20 प्लस 7 बाय 5 माइनस 21 बाय 8। अब हम 25 और 8 का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, रफ में निकाले 25 और 8 का, 2 10 जा 20 2 4 जाएगी, तो आपको आता ही निकालना 2 5 जा 10 2 2 जा 4 5 5 एज इट 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो एलसीएम कितना आ गया बेटा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 40 एलसीएम आ गया, कैल्शियम आपका 40 आ गया, क्लियर। अब 20 2 जा 40 2 3 जा 6 5 8 जा 40 8 7 जा 56 8 5 जा 40 5 21 जा 105, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को ये आ जाएगा 62 माइनस 105 अपॉन 40। अब बेटा 105 में से 62 को हम क्या कर लेंगे, माइनस, ये माइनस क्या ना 5 माइनस 2 3 10 माइनस 6 4 और बड़ी टर्म ये है तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस 43 अपॉन 40, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आप बेटा जो ब्रेन टीचर के जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं सारे, जब फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल्स, तो ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं फर्स्ट के सारे पार्ट, ये आपने ट्राई करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये भी वैसे ही है बिल्कुल सेम, ये भी हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे है, सिंपलीफाई प्लस और माइनस क्या बेटा ये भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिप्रेजेंटेशन और नॉट, तो ये भी हम कर चुके हैं बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने आपको बताई थी ट्रिक। तो ये जो 1 2 3 4 है ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स के मैंने आपको करवा दिए, तो ये यहाँ पर हम बेटा हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आया तो आपने मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्लियर, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9418656211। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ब्रेन टीचर के बेटा हम कर चुके हैं, तो अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो आप उन्हें मेरे को व्हाट्सएप करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।